दोस्तों, यह एक नया मानवा है और इस नए मानवा की शुरुआत सीधा हमारे मेन कैरेक्टर से होती है जो गेम खेलते कहीं जा रहा होता है और कहने लग जाता है कि मैं इस गेम को कई सालों से खेल रहा हूँ लेकिन आज तक मुझे एक भी अच्छा कार्ड नहीं मिला। मैं तो सच में बहुत ही ज़्यादा अनलकी हूँ जिसकी वजह से इस सिस्टम ने भी मुझे अनलकी का टाइटल दे दिया। आखिरकार इस सिस्टम ने मुझे अनलकी का टाइटल क्यों दिया होगा? और हमें पता चलता है कि इसका नाम लिन ह्वांग है और लिन उस गेम को खेलते हुए कहने लग जाता है कि हालांकि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ही अनलकी और कमजोर हूं लेकिन आज तक मेरा किसी ने मजाक नहीं उड़ाया, लेकिन इस सिस्टम ने तो मुझे अनलकी का टाइटल ही दे दिया है। क्या यह मेरा मजाक उड़ाना चाहता है? क्या यह मुझे उदास करना चाहता है? आखिरकार इसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं तो गेम को खेलूंगा। और हम देखते हैं कि वह यस को दबा देता और कहने लग जाता है कि लगता है कि मुझे इस गेम को हैक करना होगा। और हम देखते हैं कि लिन को दोबारा से अनलकी का कार्ड मिला होता है, जिसे देखने के बाद लिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार दोबारा से इसने मुझे अनलकी का कार्ड दे ही दिया। आखिरकार यह मुझे एक अच्छा कार्ड क्यों नहीं देते था? मैं इस गेम को कई सालों से खेल रहा हूं लेकिन इसके बावजूद भी इसने मुझे एक अच्छा कार्ड नहीं दिया। अगर इसने दोबारा से मेरे साथ ऐसा किया तो मैं इसे जिंदगी में कभी भी नहीं खेलूंगा और इसे मैं छोड़ दूंगा। और यह कहने के बाद लिन उस गेम की स्पिन पर जोर जोर से टैप करने लग जाता है और हम देखते हैं कि वह स्पिन फिरने लग जाती है और एक कार्ड पर आकर रुक जाती है, जिसे देखने के बाद लिन पूरी तरह से हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि लिन को एक ब्लैक कार्ड मिला होता है, जिसे देखने के बाद लिन कहने लग जाता है कि मैंने आज तक इस ब्लैक कार्ड को इस गेम में नहीं देखा, आखिरकार इस ब्लैक कार्ड का काम क्या है? और हम देखते हैं कि उस फोन के अंदर से एक जोरदार लाइट लिन की आंखों पर पड़ रही होती है और लिन कहने लग जाता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। और हम देखते हैं कि उस गेम के अंदर से आवाज आने लग जाती है कि आपने एक ब्लैक कार्ड को चुना है जिसकी वजह से आपको एक अनदर वर्ल्ड में भेजा जा रहा है और आपको उस वर्ल्ड का इसी काय बनाया जा रहा है, आपको मॉन्स्टर पैराडाइज वर्ल्ड में भेजा जा रहा है। और हम देखते हैं कि वह गेम लिन को अपने अंदर खींच लेता है और उसे एक अलग ही डायमेंशन में भेज देता है, जिसके होने के बाद लिन का फोन जमीन पर आकर गिरता है और वह सिस्टम कहने लग जाता है कि आप अपने वर्ल्ड में जाकर एंजॉय करिए। फिर इसके बाद हमें एक जगह के सीन को दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारे घर होते हैं और हम देखते हैं कि वहां पर लिन भी आ गया होता है। वह कहने लग जाता है कि मैं एक मॉन्स्टर पैराडाइज वर्ल्ड में आ चुका हूं, अब मुझे यहां पर सभी मॉन्स्टरों को मारकर दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर होना है और इस वर्ल्ड का इसिकाय बन जाना है। और हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक छोटी सी तलवार होती है, वह उस तलवार को उठाता है और उसे मेज पर दे मारता है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर लिन इस वर्ल्ड में आकर सब्जियां काट रहा होता है और वह रोते हुए अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार मेरे साथ ये हो क्या रहा है, मुझे इस वर्ल्ड में आए हुए एक हफ्ता बीत चुका है लेकिन इसके बावजूद भी मुझे इस वर्ल्ड में काम करना पड़ रहा है, मुझे तो यहाँ पर एक भी मॉन्स्टर नहीं दिखा है। इस वर्ल्ड से बेहतर तो मेरा अपना वर्ल्ड था जहाँ मैं रोजाना खेलता और मजे करता था, लेकिन इस दुनिया के आने के बाद तो मेरे दिन ही बदल गए हैं और मुझे यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए रोजाना काम करना पड़ता है। और वह कहने लग जाता है कि और यहाँ तक कि सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे एक ऐसे शरीर में भेजा गया है जहाँ मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर हूँ और मैं पढ़ने में भी बहुत ज्यादा अच्छा हूँ और यहाँ तक कि मैं हंटर अकेडमी में भी जाता हूँ, लेकिन इस शरीर के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इसकी लाइफ सिर्फ 90 डेज की ही बची है। अगर मुझे अपनी लाइफ को बढ़ाना है तो मुझे उन मॉन्स्टर को मारकर उनके क्रिस्टल को अब्सॉर्ब करना होगा, तभी जाकर मेरी लाइफ की बढ़ सकती है। और हम देखते हैं कि वह एक दरवाज़ा खोल रहा होता है और कहने लग जाता है कि जिन टाइम हो गया खाने का, और वह दरवाजे को खोल देता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की अपने कपड़े बदल रही होती है और वह लिन को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और हमें बताया जाता है कि यह लिन की छोटी बहन है और इस वर्ल्ड में इसके सिवा कोई भी नहीं है। और उसकी बहन कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, अब गधे कहीं के यहाँ से भाग जाओ, और उसे एक जोरदार किताब फेंक कर मारती है और वह उससे कहती है कि अब यहाँ से भाग जाओ। फिर इसके बाद हमें खाने के टेबल के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर वह दोनों खाना खा रहे होते हैं और लिन की बहन गुस्से में कहने लग जाती है कि अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं रही जिसकी वजह से तुम बिना दरवाजा नॉक किए अंदर घुसाते हो, अगली बार से तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। जिसे सुनने के बाद लिन घबराते हुए कहने लग जाता है कि हाँ मैं समझ गया, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब प्लीज गुस्सा करना भी बंद कर दो। फिर हम देखते हैं कि लिन का ध्यान एक अंगूठी की तरफ चला जाता है और उस अंगूठी को देखने के बाद लिन अपने मन में कहता है कि यह एम्परर रिंग तो हिल रही है और वह हमें एम्परर रिंग के बारे में बताने लग जाता है और कहता है कि यह एम्परर रिंग इस वर्ल्ड में आधार कार्ड की तरह है जिसके बिना इस दुनिया के किसी भी लोग की पहचान नहीं हो सकती और इसके साथ साथ इस रिंग में बहुत सारे हम खाने और चीज़ों को भी स्टोर कर सकते हैं और यह हमारे नेटवर्क में भी काम आ जाती है। लेकिन यह रिंग तभी हिलती है जब किसी मॉन्स्टर ने किसी शहर पर हमला किया होता है या फिर कोई बड़ी खबर होती है। आखिरकार क्या हुआ होगा? और हम देखते हैं कि लिन की बहन भी कहने लग जाती है कि भाई मेरी रिंग भी हिल रही है,
आखिरकार क्या हुआ होगा। और हम देखते हैं कि वह न्यूज़ चलाने लग जाती है। न्यूज़ में बताया जाता है कि 7010 एरिया में मॉन्स्टर घुस चुके हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मचा रहे हैं। अगर आप उस एरिया में रहते हैं तो वहाँ से तुरंत भाग जाएं या फिर अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लें। जिसे सुनने के बाद लिल की बहन डर जाती है और कहने लग जाती है कि भाई हम तो 70101 एरिया में रहते हैं, आखिरकार हमारे साथ क्या होगा। जिसे सुनने के बाद लिल कहने लग जाता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये खबर पूरे शहर में फैल चुकी है और ये खबर मॉन्स्टर हंटरों को भी पता लग गई होगी। वह जल्दी हमारे सिटी में पहुंच जाएंगे और इन सारे के सारे मॉन्स्टरों को संभाल लेंगे। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि लेकिन फिर भी हमारी सिटी बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है और इसकी रैंक डी रैंक है और यहाँ पर ज़्यादा लोग भी नहीं रहते, जिसकी वजह से यह एरिया इतना सेफ भी नहीं है। लेकिन अगर कोई मॉन्स्टर ने यहाँ पर हमला कर दिया तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मॉन्स्टर हंटर यहाँ जल्दी नहीं पहुँचे तो हम के सब मारे जाएंगे। और हम देखते हैं कि लिन की बहन वहाँ से जाने लग जाती है और वह अपने भाई से कहती है कि भाई मैंने खाना खा लिया है, अब मैं होमवर्क करने जा रही हूँ। जिसे सुनने के बाद लिन उसे कहता है कि ठीक है तुम जा सकती हो, मैं खाने के बर्तनों को धो दूंगा। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सभी मॉन्स्टर हंटर इस शहर के आसपास पहुंच चुके हैं, अब मुझे ज़्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब हम यहाँ पर सेफ हैं। लेकिन अगर मेरे घर के ऊपर किसी मॉन्स्टर ने हमला कर दिया तो मैं उस मॉन्स्टर को बिल्कुल भी नहीं संभाल पाऊंगा, क्योंकि मेरी बॉडी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। अगर कोई मॉन्स्टर का क्रिस्टल मुझे मिल जाए तो मेरी लाइफ टाइम और मेरी बॉडी बहुत ही ज़्यादा मजबूत बन सकती है। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि अगर कोई बेकार और मामूली सा मॉन्स्टर मेरे सामने आ जाए तो बात बन सकती है, मैं उसे मारकर और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाऊँगा, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और हम देखते हैं कि अचानक से लिन को किसी के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। जैसे सुनने के बाद लिन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वह बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ अपने बहन के कमरे की तरफ बढ़ता और कहने लग जाता है कि जिन तुम्हें क्या हुआ। उसकी बहन के चिल्लाने की आवाज़ आती है कि भाई मुझे बचाओ। और हम देखते हैं कि वह उसके दरवाजे को लाश से खोल देता और हम देखते हैं कि उसके बहन के घर के अंदर एक मॉन्स्टर होता है, जिसे देखने के बाद उसकी बहन चिल्ला चिल्ला कह रही होती है कि भाई मुझे बचाओ। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर दिखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है, जिसे देखने के बाद लिन वहाँ से एक बैग को उठा देता है और अपने सामने कर लेता है और कहने लगता है कि जिन तुम मेरे पीछे ही रहना। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि यह तो एक वैम्पायर है और वहाँ से अपनी बहन को भगाते हुए कहने लग जाता है कि वैसे तो वैम्पायर बहुत ही ज़्यादा लोएस्ट ग्रेड के मॉन्स्टर होते हैं, लेकिन इनकी ताकत बहुत ही ज़्यादा होती है जिसकी वजह से मैं इनका सामना नहीं कर सकता, मुझे यहाँ से भागना होगा। और हम देखते हैं कि वह अपनी बहन को किसी के पीछे छुपा देता और कहने लग जाता है कि बहन तुम्हें यहीं पर छुपा रहना है, तुम्हें यहाँ से भागना नहीं है। मैं इसका ध्यान भटकाता हूँ, उसे यहाँ से बाहर ले जाता हूँ। और वैसे भी वैम्पायर ने तुम्हारी खून की स्मेल को चख लिया है, जिसकी वजह से तुम्हें अपने खून की स्मेल को छुपाना होगा, मुझे यहाँ से इस मॉन्स्टर को भगाने के लिए कोई चांस ढूंढना होगा। जिसे सुनने के बाद उसकी बहन कहने लग जाती है कि लेकिन भाई, लेकिन हम देखते हैं कि वह उस दरवाजे को मूंद देता है और कहने लग जाता है कि मुझे ये करते हुए बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा वीक हूँ, जिसकी वजह से मैं इस मॉन्स्टर का सामना नहीं कर सकता, इसलिए मुझे यहाँ से इसे भगा कर ले जाना होगा। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर लिन की तरफ बहुत ही तेज़ी के साथ भाग रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि लिन वहाँ से भाग कर दरवाजे के पास चला जाता और उस मॉन्स्टर से कहने लग जाता है कि हे बदसूरत दिखने वाले मॉन्स्टर, आओ मेरे पास आओ, मुझ पर हमला करो, तुम मुझ पर हमला नहीं कर सकते। जिसे सुनने के बाद वह मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और बड़ी ही तेज़ी के साथ लिन के ऊपर हमला करने के लिए भाग पड़ता है। जिसे देखने के बाद लिन वहाँ से भागते हुए कहने लग जाता है कि यह मॉन्स्टर तो देखने से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर बड़ी ही तेज़ी के साथ लिन की तरफ हमला करने के लिए बढ़ रहा होता है। और हम देखते हैं कि लिन की बहन रोते हुए कहने लग जाती है कि भाई, और हम देखते हैं कि लिन अपने पास से एक गन को निकाल लेता है और उस मॉन्स्टर से कहता है कि आज मॉन्स्टर तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाले, अब इसे खाओ। और हम देखते हैं कि वह उस मॉन्स्टर के ऊपर धड़ाधड़ गोलियां चला देता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और वह मॉन्स्टर वहीं पर रुक जाता है। और हम देखते हैं कि उन गोलियों की वजह से उस मॉन्स्टर का बहुत ही ज़्यादा ब्लड कर रहा होता है और वह अपनी ताकत को बढ़ाने लग जाता है। और हम देखते हैं कि जिसे देखने के बाद लिन कहने लग जाता है कि यह तो अपनी ब्लड पावर को बढ़ा रहा है। और यह देखने के बाद लिन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और हम देखते हैं कि वह वहाँ से भाग लग जाता है और अपने मन में कहता है कि इस दुनिया में मॉन्स्टरों की पावर को स्टेजों में बांटा गया है, ब्लैक स्टेज, हायर स्टेज और ग्रीन कॉपर स्टेज। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर लिन के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है। जिसे देखने के बाद लिन अपने मन में कहता है कि लगता है कि आज तो मैं मर गया। और हम देखते हैं कि यह कहने के बाद लिन खिड़की तोड़कर वहाँ से नीचे कूद गया होता है, जिसे देखने के बाद वह मॉन्स्टर जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर भी नीचे कूद जाता है, जिसे देखने के बाद लिन अपने मन में कहता है कि मुझे लगता है कि इस मॉन्स्टर को मुझे बहलाना फुसलाना होगा, तभी जाकर मैं
कैसे दूर ले जा सकता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर लिन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि लिन उस मॉन्स्टर के हमले से बच जाता है, जिसे देखने के बाद लिन अपने मन में कहने लग जाता है दत्त तेरी कि आज मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, लगता है कि मैं इस मॉन्स्टर के हाथों जल्दी ही मारे जाने वाला हूँ। इस मॉन्स्टर ने अपनी ब्लड पावर को बढ़ा लिया, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ और एबिलिटी बढ़ चुकी है और यह लोअर स्टेज से सीधा ब्लैक स्टेज पर पहुँच गया है। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर लिन के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है और उस पर बहुत सारे लगातार वार कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि लिन उसके हमले से बच जाता है और उस पर गोलियां चलाने लगता है। लिन अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि इस मॉन्स्टर को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि उन हंटरों ने इसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया होगा, लेकिन यह मॉन्स्टर उनके हाथों बच के आ गए होगा। अगर मुझे इस मॉन्स्टर से जीतना है तो मुझे टाइम को लंबा खींचना होगा, तभी जाकर मैं इस मॉन्स्टर से जीत सकता हूँ। और हम देखते हैं कि लिन उस मॉन्स्टर के ऊपर लगातार बहुत सारी गोलियां चला रहा होता है और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर लिन के ऊपर हमला कर देता है। और हम देखते हैं कि यह हमला लिन के बहुत ही ज़्यादा करीब से होकर गया होता है, जिसे देखने के बाद लिन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि क्या मैं टाइम को इतना लंबा खींच पाऊंगा, मुझे लगता है कि यह मॉन्स्टर तो मुझे जल्दी ही मार डालेगा। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर लिन के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से लिन जमीन पर जाकर गिरता है। और जैसे ज़मीन पर जाकर गिरता है वह मॉन्स्टर लिन के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखने के बाद लिन उस पर ऊपर गोलियां चलने लग जाता है और कहने लगता है कि मैं आज तो नहीं मरने वाला, मैं डेफिनेटली आज तो बिल्कुल भी नहीं मरने वाला। और हम देखते हैं कि वह उसके ऊपर धड़ाधड़ गोलियां चला रहा होता है, जिसकी वजह से वह मॉन्स्टर अपने ब्लड पावर की वजह से एक शील्ड को बना लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि वह गोलियां जैसे शील्ड पर लग रही होती हैं उसमें क्रैक पड़ने लग जाते हैं और हम देखते हैं कि एक गोली सीधा उस मॉन्स्टर के सीने में लगती है, जिसकी वजह से वह मॉन्स्टर जमीन पाकर गिरता है। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा दर्द में होता है और हम देखते हैं कि उसके मुँह से ब्लड आ रहा होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर अपने नॉर्मल स्टेज पर आ जाता है और दोनों पैरों पर खड़ा होता है, जिसे देखने के बाद लिन कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे मरने का वक्त अब आ चुका है। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर जमीन पर गिर जाता है और लिन उसके ऊपर अपनी बंदूक को तान देता है और कहने लग जाता है कि अब मर भी जाओ, और इतना कहते ही वह उसके ऊपर गोली चला देता है, जिसकी वजह से वह मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। जिसे देखने के बाद लिन कहता है कि आखिरकार तुम मर ही गए। और उस मॉन्स्टर के मरते ही लिन को उसके सिस्टम की आवाज आती है, वह कहने लग जाता है कि कांग्रेस, आपने फाइनली एक मॉन्स्टर को मार दिया, आपने अपना पहला टास्क पूरा कर लिया। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि यह तो मेरे सिस्टम की आवाज है। और हम देखते हैं कि उसके सामने उसका सिस्टम आ जाता है, वह बताने लग जाता है कि आपने इस वर्ल्ड में अपना पहला मॉन्स्टर मार दिया, जिसके लिए आपको एक मॉन्स्टर कार्ड दिया जाएगा और इसके साथ साथ आपको एक रैंडम कार्ड भी दिया जाएगा। जिसे सुनने के बाद लिन कहता है कि क्या रिवॉर्ड। और हम देखते हैं कि उसका सिस्टम एक बिल्ली में बदल जाता है, वह कहने लग जाता है कि हाँ, आपको बहुत सारे रिवॉर्ड भी दिए जाएंगे और इसके साथ साथ आपको अपना एक खुद का कार्ड भी दिया जाएगा, जिसकी मदद से आप अपनी पावर को भी बढ़ा सकते हैं। जिसे सुनने के बाद लिन पूरी तरह से हैरान हो जाता है और सिस्टम से कहने लग जाता है कि ये तुम क्या कह रहे हो। जिसे सुनने के बाद वह सिस्टम अपना थोड़ा सा मुंह बनाता है और कहने लग जाता है, तुम तो मेरी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती कर रहे हो, आखिरकार मैं तुम्हारा सिस्टम हूँ, कम से कम मुझे लौट तो बुलाओ। और हम देखते हैं कि वह सिस्टम लिन को वह कार्ड दिखाने लग जाता है और उसे कहता है कि जरा देखो उस सुनहरे कार्ड को, वह तुम्हारी सारी स्किल को अपग्रेड करने में तुम्हारी मदद करेगा और इसके साथ साथ तुम्हें एक मॉन्स्टर कार्ड और एक तुम्हारा कार्ड भी दिया गया है। जिसे सुनने के बाद लिन उस कार्डों को देखने लग जाता है और हम देखते हैं कि उन कार्डों को देखने के बाद लिन पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह तो मैं हूँ। और हम देखते हैं कि वहाँ पर लिन का कार्ड भी होता है और इसके साथ साथ लिन ने जिस मॉन्स्टर को मारा होता है उसका कार्ड भी होता है। जिसे सुनने के बाद लिन कहता है कि यह नहीं हो सकता, यह तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्या सिस्टम मुझे मेरा कार्ड भी दे सकता है। और हम देखते हैं कि वह थोड़ा सोचता है और कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर दो कार्ड है, मुझे इसमें से कौन सा चुनना चाहिए। जिसे सुनने के बाद वह सिस्टम की आंखें लाल हो जाती है और वह कहने लग जाता है कि तुम्हें ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, चलो मैं तुम्हें इसके बारे में बता देता हूँ। व्हाइट कार्ड एक कॉमन कार्ड होता है, ग्रीन कार्ड रेयर कार्ड, और ब्लू वाला कार्ड एक हिस्टोरिकल कार्ड होता है, और इसके साथ साथ पर्पल और ऑरेंज कार्ड लेजेंडरी और गोल्डली कार्ड होते हैं, लेकिन जो तुम्हारे पास कार्ड हैं वे एक कचरे के सिवा कुछ भी नहीं है। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि हाँ, मैं पूरी तरह से समझ गया, अगर मुझे किसी कार्ड को लेना है तो मुझे और भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, लेकिन मैं पिछली लाइफ में तो उन कार्डों को नहीं ले पाया, लेकिन इस ज़िंदगी में मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर उन कार्डों को ले पाऊंगा। जिसे सुनने के बाद लिन का सिस्टम क्रीपी से इस्तेमाल देते हुए कहने लग जाता है कि नहीं नहीं नहीं, ये कार्ड तुम्हें मेहनत से नहीं बल्कि लक की मदद से मिलेंगे। जिसे सुनने के बाद तो लिन की दुनिया हिल जाती है और उसे एक बहुत बड़ा सदमा लगता है और वह रोते हुए कहने लग जाता है कि आज तो
में मर गया। मैं तो एक अनलकी हूँ, इस दुनिया में कोई नहीं होगा जो मेरी तरह अनलकी होगा। जिसे सुनने के बाद वह सिस्टम कह लग जाता है कि चुप रहो, यहाँ पर कोई आ रहा है। और हम देखते हैं कि यह सब सुनने के बाद लिन पूरी तरह से हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आ गई होती है। वह कहने लग जाती है कि आखिरकार तुमने इस वैम्पायर को मार ही डाला है ना। और हम देखते हैं कि वह लड़की लिन को अपना नाम बताने लग जाती है और कहती है कि मेरा नाम ली लैंग है और मुझे यहाँ से मैसेज आया था कि यहाँ पर एक मॉन्स्टर आ चुका है और वह बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा रहा है, जिसके लिए मैं यहाँ लोगों को बचाने के लिए आई हूँ। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि हाँ हाँ, मेरी बहन ने शायद तुम्हें मैसेज किया होगा, क्योंकि यहाँ पर एक मॉन्स्टर ने हमला किया है और यह मॉन्स्टर यह रहा। और लिन अपने मन में सोचने लग जाता है कि हंटर एसोसिएशन की सिल्वर हंटर ली लैंग एक खूबसूरत लड़की लकड़ी। और हम देखते हैं कि लैंग कहने लग जाती है कि मैं तुमसे दोबारा पूछती हूँ, क्या तुमने इस वैम्पायर मॉन्स्टर को तुमने ही मारा? जिसे सुनने के बाद हाँ हाँ, मैंने इस मॉन्स्टर को मारा था, लेकिन यह मॉन्स्टर पहले से ही घायल था, जिसकी वजह से मैं इस मॉन्स्टर को मार पाया। मैं तो बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहने लग जाती है कि लकी, और वह अपने मन में कहने लग जाती है कि मुझे नहीं लगता है कि इस वैम्पायर को लक की मदद से मारा गया होगा। और वैसे भी यह लड़का ब्लैक स्टेज पर है और इसके साथ साथ इसकी लाइफ सर्कल भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और इसकी लाइफ सर्कल की लाइफ बहुत ही ज़्यादा धीमे धीमे कम होती जा रही है। और हम देखते हैं कि वह लड़की लिन के बिल्कुल करीब आ जाती है और उससे कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहती, मुझे बताओ कि तुमने इस मॉन्स्टर को कैसे मारा है और सारी की सारी बातें मुझे डिटेल में बताओ। और वह अपने मन में कहने लग जाती है कि मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती कि इस लड़के ने इसे अपने लक की मदद से मारा होगा, शायद इसके पीछे कोई राज है। और हम देखते हैं कि लिन को अचानक से अपनी बहन की याद आती है और वह वहाँ से भागते हुए कहने लग जाता है कि आप यहाँ पर रुकें, मैं यहाँ पर अभी आया, मुझे अपनी बहन को देखने जाना है कि वह सही है या फिर नहीं, मैं आपसे बाद में बात करूँगा। फिर इसके बाद हमें लिन की बहन को दिखाया जाता है जो अपने टूटे फूटे घर को देख रही होती है और वह अपने मन में कहने लग जाती है कि हमने इस घर को 32 साल पहले लिया था, अभी तो हमने इस घर का कर्जा भी नहीं चुकाया, आखिरकार हम कहाँ रहेंगे? और हम देखते हैं कि लिन की बहन के पीछे लिन आ गया होता है। लिन कहने लग जाता है क्या तुम ठीक हो? जिसे सुनने के बाद लिन की बहन रोते हुए लिन के गले लग जाती है और उसे कहने लग जाती है कि भाई मैं तो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, मुझे लगा था कि आप मर गए। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम एक अच्छी गर्ल हो, तुम्हें रोना बंद कर देना चाहिए। और हम देखते हैं कि उनके पीछे लैंग भी आ गई होती है। वह अपने मन में कहने लग जाती है कि यह घर तो पूरी तरह से टूट चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि इस घर की हालत पहले से ही बेकार होगी। वह उनसे कहने लग जाती है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे भाई ने एक रैंक 3 के मॉन्स्टर को मार डाला है और इसके हमें बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। जैसे सुनने के बाद वह लड़की बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वह कहने लग जाती है कि मेरा भाई तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा डरपोक है, लेकिन ये जल्द ही एक नौसिखिया हंटर तो बन ही जाएगा। जैसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि बहन तुम ये क्या बकवास कर रही हो, तुम्हें यह कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि ली लैंग हमसे क्या पूछना चाहती है। और हम देखते हैं कि लिन की बहन उस लड़की से पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आई हो। जैसे सुनने के बाद लैंग कहने लग जाती है कि मेरा नाम ली लैंग है और मुझे यहाँ से किसी के बचाने की रिक्वेस्ट सुनाई दी थी, जिसकी वजह से मैं यहाँ आई हूँ। और हम देखते हैं कि लैंग उनके सामने एक होलोग्राफ दिखाने लग जाती है, जिसे देखने के बाद लिन की बहन कहने लग जाती है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं ली लैंग से मिलूंगी, और मुझे तो अपनी आंखों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा कि ली लैंग मेरी आंखों के सामने है। और लिन कहने लग जाता है क्या तुम्हारे हाथों में गोल्डन इक्विपमेंट है? जिसे सुनने के बाद लैंग कहती है कि हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, यह एक गोल्डन इक्विपमेंट है और यह बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, लेकिन यह हमारी बहुत ही ज़्यादा मदद कर सकता है। इस इक्विपमेंट की मदद से हम किसी भी हादसे को रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसमें बहुत सारा सामान भी डाल सकते हैं, और इसके साथ साथ मैं इससे अपना 3 होलोग्राम भी बना सकती हूँ जो दुश्मन को डराने के लिए काफ़ी है, और यहाँ तक कि ज़्यादातर हंटर इसी इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं। जिसे सुनने के बाद लिन की बहन कहने लग जाती है कि आप तो बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं, इस क्रिस्टल की लाइफ टाइम तो 1 साल की होती है और इसके साथ साथ यह बाज़ार में $10,000 का मिलता है, आप तो बहुत ही ज़्यादा रिच हैं सिस्टर। और हम देखते हैं कि वह अपने मन में सोचने लग जाती है कि नॉर्मल ब्लैक स्टोन इतने भी खास नहीं होते, लेकिन जो ली लैंग के पास गोल्डन स्टोन है वह बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, इसे मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ज़्यादातर लोग इसके लिए तरस जाते हैं। और हम देखते हैं कि लिन की बहन लैंग से कहने लग जाती है कि वाह सिस्टर, आप तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की हो। जिसे सुनने के बाद लैंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहने लग जाती है कि यह इतना भी खास नहीं है, तुम्हें इतनी तारीफ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मेरे पास ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स पड़े हैं, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ, जिसे देखकर तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और हम देखते हैं कि लैंग जिन को एक गोल्डन किस्त देती है और उसे कहने लग जाती है कि चलो तुम इसे ले लो, इसकी लाइफ टाइम 3 साल तक है और यह तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा काम आएगा, और वैसे भी तुमने मुझे
सिस्टर कहा, जिसकी वजह से मैं तुम्हें दे रही हूँ। जिसे सुनने के बाद जिन कहती है कि थैंक यू सिस्टर, और लिन अपने मन में कह रहा होता है कि मेरी बहन तो बहुत ही ज़्यादा चालाक है, वह किसी को भी अपना दोस्त बना सकती है। और हम देखते हैं कि लैंग लिन को कहने लग जाती है कि तुमने वैम्पायर मॉन्स्टर को मार दिया है, हालांकि मुझे इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम कहना चाहती हो, तुम साफ साफ भी कह सकती हो, अगर तुम साफ साफ पूछो तो मैं तुम्हें बता दूंगा। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाती है, चलो तो ठीक है, मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ। देखो तुमने रैंक 3 के मॉन्स्टर को मार दिया, जिसे मारने में मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और वैसे भी तुम ब्लैक स्टेज पर भी नहीं हो, और इसके साथ साथ तुम्हारा लाइफ सर्कल भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने उस मॉन्स्टर को आसानी से मार दिया। क्या तुम्हारे पास कोई गोल्डन इक्विपमेंट है जिसकी मदद से तुमने उस मॉन्स्टर को मारा है? अगर तुम्हारे पास कोई गोल्डन इक्विपमेंट्स है तो तुम उसे मुझे भी दे सकते हो, मैं उसे अच्छे खासे पैसे देकर तुमसे उसे खरीद लूँगी। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि ये तुम क्या कह रही हो, आखिरकार मेरे पास ऐसी चीज़ कैसे हो सकती है, मैं तो एक गरीब परिवार से हूँ, आखिरकार मेरे पास ऐसा गोल्डन इक्विपमेंट कैसे हो सकता, तुम भी ये सब देख सकती हो। और लिन अपने मन में कहने लग जाता है कि इसने गोल्डन इक्विपमेंट के बारे में मुझसे पूछ रही है, आखिरकार मुझे लगता है कि वह गोल्डन इक्विपमेंट बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं, जिसे ढूंढने में इनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम करनी पड़ती है। जिसे सुनने के बाद लैंग मुस्कुराते हुए कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारी बातों को समझ सकती हूँ, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मुझे पता है कि तुम्हारा लाइफ सर्कल बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इसका कोई इलाज नहीं मिल सकता, अगर तुम इसका इलाज खोज सकते हो तो यह तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, अगर तुम ठीक हो जाओ तो तुम भी एक स्ट्रॉन्ग मैन बन सकते हो और सभी लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। जिसे सुनने के बाद लिन खुश होते हुए कहने लग जाता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अफसोस की बात है कि मेरे पास इतना लाइफ टाइम नहीं है। और हम देखते हैं कि लैंग वहाँ से जाते हुए कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारे घर टूटने की खबर पहुँचा दी है, कल तुम्हारे पास कुछ लोग आएंगे, वह तुम्हें घर दिखाएंगे और इसके साथ साथ तुम्हें बहुत सारा मुआवजा और पैसे भी देंगे। जैसे सुनने के बाद लिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। जैसे सुनने के बाद लैंग कहने लग जाती है कि तुम्हें यह कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आशा करते हैं कि हम दोबारा ज़रूर से मिलेंगे। और हम देखते हैं कि वह वहाँ से चली जाती है, और उसके जाने के बाद लिन कहने लग जाता है कि यह लड़की तो बहुत ही ज़्यादा अजीब थी, यह बोलती कुछ और है और सोचती कुछ और है। और हम देखते हैं कि लिन की बहन कहने लग जाती है कि भाई हमारा घर तो पूरी तरह से टूट चुका है, अब हम कहाँ पर सोएंगे। और हम देखते हैं कि लिन उसे एक कमरे में ले आया होता है और कहने लग जाता है कि अब हमारे पास यही कमरा बचा है, हमारा पूरा घर पूरी तरह से टूट चुका है, तुम यहाँ सो सकती हो। और हम देखते हैं कि लिन की बहन वहीं पर तुरंत सो जाती है, और उसके सोने के बाद लिन अपने मन में कहने लग जाता है कि मेरी बहन बहुत ही ज़्यादा मासूम है और ये अभी छोटी बच्ची की तरह है, जिसकी वजह से ये जल्दी सो जाती है, लेकिन इसका भाई होने के नाते मैं बहुत ही ज़्यादा बेकार हूँ, मैं अपनी बहन को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता, मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ। और हम देखते हैं कि उसके सामने वह सिस्टम आ जाता है और उससे कहने लग जाता है कि तुम्हारी बहन तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन उसका भाई बहुत ही ज़्यादा बेकार है। और हम देखते हैं कि लिन उसके आने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है काले बिल्ले तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और हम देखते हैं कि वह काला बिल्ला कहता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे तेरे अलावा कोई भी नहीं देख सकता, मैं यहाँ सिर्फ तेरा हाल चाल पूछने के लिए आया था, और तुमने काला बिल्ला किसे नाम दिया, यह एक बेकार सा नाम है, तुम मुझे लॉर्ड भी बुला सकते हो। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि यह तो बहुत ही अच्छी बात है, मेरे अलावा तू किसी को दिखना भी नहीं चाहिए, अगर किसी को दिख गया तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और वह उससे कहने लग जाता है कि वैसे भी तुमने सही कहा था, मैं एक बेकार भाई हूँ, मैं अपनी बहन को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता, जिसके लिए मुझे ताकतवर होना है, इसके लिए मैं उनमें से एक कार्ड को चुनना चाहता हूँ। जिसे सुनने के बाद उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि अच्छा तो ऐसी बात है क्या, क्या तुम पूरी तरह से शोर हो कि तुम इसे करना चाहते हो। जिसे सुनने के बाद लिन कहता है कि हाँ, और हम देखते हैं कि वह सिस्टम उसके सामने बहुत सारे कार्ड रख देता है और उससे कहने लग जाता है कि तुमने जिस मॉन्स्टर को मारा था उसे मारने के लिए तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर इन सारे कार्डों को चुनने का एक मौका दिया जाता है। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि धत्तेरे की, मुझे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा कि मैंने अपने लक की मदद से चुन रहा हूँ, आखिरकार मेरे लक बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता, और वैसे भी मैं इस दुनिया का इसी काय बन चुका हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं बहुत ही ज़्यादा अनलकी हूँ। और हम देखते हैं कि वह एक रैंडम कार्ड को चुन लेता है, और उस कार्ड को चुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि मैंने इस कार्ड को चुन लिया है, अब देखते हैं कि इस कार्ड में मुझे क्या मिलने वाला है। और हम देखते हैं कि वह कार्ड में कुछ होने लग जाता है, और उस कार्ड में होने के बाद उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको एक मिशन मिला है, आपको इस मिशन को पूरा करना है। जिसे सुनने के बाद लिन हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है क्या मुझे एक मिशन मिला है, आखिर यह मिशन क्या है। और हम देखते हैं कि उस कार्ड के अंदर से एक छोटी सी लड़की निकलती है, वह कहने लग जाती है कि आपको एक मिशन मिला है और आपको इस मिशन को पूरा करना है, अगर आप 1 महीने के अंदर हंटर बन जाते हैं तो आपको बहुत सारे रिवॉर्ड और कार्ड भी दिए
जाएंगे, लेकिन अगर आप हंटर नहीं बन पाते तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, और इसके साथ साथ आपसे आपका सिस्टम भी छीन लिया जाएगा। जैसे सुनने के बाद लिन पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह तुम क्या बकवास कर रही हो, मैंने मानवास और कॉमिक्स में पढ़ा है कि ऐसा कभी भी कुछ नहीं होता, अगर वह मिशन पूरा नहीं करते तो सिर्फ उन्हें छोटी मोटी सजाएं दी जाती है, लेकिन तुम तो मेरा सिस्टम ही मुझसे छीन रही हो। और हम देखते हैं कि लिन उस सिस्टम से कहने लग जाता है कि 1 महीने का अंदर हंटर बनना यह मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और इसके साथ साथ मुझे ब्लैक स्टेज पर भी पहुँचना होगा ताकि मैं पैसा को कर का हंटर बन सकूँ, यह बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जिसे सुनने के बाद वह सिस्टम कहने लग जाता है कि देखो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तो तुमसे पहले ही कहा था कि जिस भी कार्ड को तुम चुनोगे उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, और तुमने एक कार्ड को चुना है जिसमें तुम्हें मिशन मिला है, अब तुम्हें उस मिशन को पूरा करना है, तभी जगह कुछ हो सकता है। जिसे सुनने के बाद लिन रोने लग जाता है और कहने लग जाता है कि दत्त तेरी की इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसी भी वर्ल्ड में चला जाऊँ, मैं तो हमेशा अनलकी का अनलकी रहूंगा, मैं तो सचमुच बहुत ही ज़्यादा बदकिस्मत हूँ। और हम देखते हैं कि अचानक से लिन बहुत ही ज़्यादा जोश में आ जाता है और कहने लग जाता है कि अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कौन सा मिशन मिला है, बस मुझे उस मिशन को कंप्लीट करना है, अगर मैंने उस मिशन को कंप्लीट नहीं किया तो मेरा सिस्टम मुझसे छीन लिया जाएगा, अगर सिस्टम छीन गया तो मुझे कोई भी चांस नहीं मिलने वाला और ना ही मैं आगे चलकर और भी ज़्यादा ताकतवर होने वाला हूँ, मुझे मिशन तो कंप्लीट करना होगा। फिर इसके बाद हमें सुबह सुबह के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर लिन की बहन भागते हुए कहने लग जाती है कि भाई मैं स्कूल जा रही हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा है। जिसे सुनने के बाद लिन उससे कहने लग जाता है कि मेरी बात सुनो, मैंने आज न्यूज़ में देखा था कि कुछ शहरों में कुछ मॉन्स्टरों ने हमला कर दिया है, अभी शहर में खतरा टला नहीं है, तुम्हें ध्यान से रहना है और कहीं भी ज़्यादा दूर नहीं जाना है, और वैसे भी आज हमारे घर कुछ लोग आने वाले हैं जो हमें घर दिखाएंगे, वे हमें दूसरे घर में ले जाएंगे, मैं तुम्हें मैसेज करके इसके बारे में बता दूंगा कि हम कहाँ पर गए हैं, क्या तुम मेरी बात को समझ गई हो। जिसे सुनने के बाद लिन की बहन कहने लग जाती है कि हाँ भाई मैं तुम्हारी बात को समझ गई, और हम देखते हैं कि वह वहाँ से चली जाती है, और उसको देखने के बाद लिन कहने लग जाता है कि मेरी बहन तो हमेशा लेट हो जाती है, वह कभी भी किसी की बात नहीं सुनती। और हम देखते हैं कि लिन अपना दरवाज़ा मूंद लेता है और कहने लग जाता है कि अब वक्त हो गया है अपने काम पर लगने का, चलो चलते हैं। और हम देखते हैं कि वह अपने सिस्टम से कहने लग जाता है कि ब्लैक ही इधर आओ, मुझे तुमसे काम है। जिसे सुनने के बाद ब्लैक ही हैरान हो जाता है और वह लिन से कहने लग जाता है कि तुम्हें मुझे बुलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं अभी बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ, अभी तो मुझे अपने पैर भी चाटने हैं। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि तुम अपनी बकवास करना बंद भी कर दो, अब मुझे मेरा मिशन कार्ड दे दो, मुझे बताओ कि उस मिशन को कम्प्लीट कैसे करना है। जिसे सुनने के बाद वह सिस्टम कहने लग जाता है कि ओह आखिरकार तुम्हें मिशन कम्प्लीट करने का ख्याल आएगा, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ कि मिशन कम्प्लीट करने के लिए तुम्हें कम से कम ब्लैक स्टेज पर पहुँचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जब जाकर एग्ज़ाम को दे पाओगे, अगर तुम ब्लैक स्टेज पर नहीं हो तो तुम्हें एग्ज़ाम में अप्लाई करने का मौका भी नहीं दिया जाएगा, अगर तुम एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे तो तुम कभी भी हंटर नहीं बन पाओगे और तुम्हारा मिशन धरा का धरा रह जाएगा। जिसे सुनने के बाद लिन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम अपनी बकवास करना बंद भी कर दो, मुझे लगता है कि मुझे कुत्ते का मांस खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और आज तो एक कुत्ता मेरे हाथों से मारे जाने वाला है। जिसे सुनने के बाद लिन का सिस्टम कहने लग जाता है कि देखो मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, अगर तुमने एग्ज़ाम में पास आना है तो तुम्हें ब्लैक स्टेज पर पहुँचना होगा, नहीं तो तुम एग्ज़ाम में अप्लाई नहीं दे पाओगे और तुम्हारा मिशन धरा का धरा रह जाएगा। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि तुम सही कह रहे हो, मुझे तो कुछ ना कुछ करना ही होगा, लेकिन इतने कम समय में ब्लैक स्टेज पर पहुँचना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, अगर मैं ब्लैक स्टेज पर नहीं पहुँचा तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और इसके बिना मैं एग्ज़ाम भी नहीं दे पाऊँगा, ये लगभग इम्पॉसिबल है। और हम देखते हैं कि अचानक से कुछ याद आता है और कहने लग जाता है कि अरे हाँ मुझे तो याद आया, तुमने तो मुझे एक समनिंग कार्ड दिया था और तुमने मुझसे कहा था कि मैं उस कार्ड का यूज कर जिस मॉन्स्टर को मैंने मारा है उसे अपनी शक्ल देकर उनकी शक्तियों का इस्तेमाल कर मैं उनसे अपना काम करा सकता हूँ और उनसे अपना एग्ज़ाम भी दिलवा सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद लिन का सिस्टम कहने लग जाता है कि हाँ तुम ये कर सकते हो, तुम उसे समन कर सकते हो, लेकिन जिस कार्ड का तुम यूज कर रहे हो वह बहुत ही ज़्यादा रेयर कार्ड है, तुम्हें उस कार्ड का इतनी जल्दी यूज नहीं करना चाहिए। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि नहीं नहीं मुझे उस कार्ड का अब यूज करना है, जिस मॉन्स्टर को मैंने मारा था वह ब्लैक स्टेज पर था और उसकी रैंक 3 स्टार तक थी, अगर मैं उसका यूज कर सकता हूँ तो मैं उससे बहुत ही ज़्यादा काम कराऊंगा और उसे अपना एग्ज़ाम भी दिलवा सकता हूँ, यह मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे जल्दी से जल्दी हंटर बनना है, और इसके साथ साथ मुझे उसे एक वेपन भी देना है जिसके लिए मैं गोल्डन कार्ड को यूज करूंगा, जिससे उसकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जिसे सुनने के बाद लिन का सिस्टम कहने लग जाता है कि क्या तुम सचमुच उस कार्ड का यूज करना चाहते हो, क्या तुम उस कार्ड को इस पर बेकार करना चाहते हो। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि हाँ मैं इसके बारे में जानता हूँ, अपग्रेड कार्ड का उस ब्लैक स्टेज के मॉन्स्टर पर यूज़ करना सच में बहुत ही ज़्यादा बेकार है, लेकिन मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, अभी मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट उस मिशन को कम्प्लीट करना है ताकि मैं और भी ज़्यादा ताकतवर हो सकूँ, ब्लैक ही मुझे बताओ कि मैं उस वैम्पायर को कैसे समन कर सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद लिन का सिस्टम कहने लग जाता है
की देखो तुम्हें इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ उस कार्ड को अपने हाथों में पकड़ना है और उसे इमेजिन करना है, और उस कार्ड को हाथों में पकड़ने के बाद उसे तुरंत ही तोड़ देना है, तभी जाकर वह मॉन्स्टर समन हो पाएगा। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि हाँ हाँ अब मुझे बिल्कुल समझ आ गया, लेकिन मुझे बताओ कि उस कार्ड का यूज करने से मेरे कार्ड पर कोई असर तो नहीं होगा। जिसे सुनने के बाद लिन का सिस्टम कहने लग जाता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम चाहे किसी भी मॉन्स्टर को समन कर लो, उसे तुम्हारे कार्ड पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला और ना ही तुम्हारे कार्ड को कोई देख सकता है। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है, अब मुझे ज़्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, चलो इस वैम्पायर को समन करते हैं। और हम देखते हैं कि वह उस कार्ड को पकड़ लेता है, और हम देखते हैं कि वह देखते ही देखते उस वैम्पायर कार्ड को तोड़ देता है, और हम देखते हैं कि जैसे ही वह कार्ड टूटता है लिन के पीछे एक बंदा समन हो जाता है, और हम देखते हैं कि इस बंदे की शक्ल बिल्कुल लिन से मैच हो रही होती है। जिसे देखने के बाद लिन कहने लग जाता है कि यह है असली वैम्पायर की पावर, और हम देखते हैं कि लिन का सिस्टम कहने लग जाता है कि अब तुमने इस वैम्पायर को समन कर लिया है, क्या तुम इसे कोई स्किल देना चाहोगे या फिर इनसे कोई काम कराना चाहोगे। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि रुक रुको वेट करो, मुझे इसमें बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ दिख रही है, अभी भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। और वह अपने सिस्टम से कहता है कि मैं अपने अपग्रेड कार्ड को यूज करना चाहता हूँ। जिसे सुनने के बाद उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि हाँ तुम अपग्रेड कार्ड को यूज कर सकते हो, लेकिन उसे सिर्फ एक ही बार यूज किया जा सकता है, क्या तुम इस वैम्पायर पर उस कार्ड को यूज करना चाहते हो। जिसे सुनने के बाद अब तुम अपनी बातें बंद भी कर दो और जल्दी से इसे स्टार्ट करो। जिसे सुनने के बाद लिन का सिस्टम कहता है कि चलो तो ठीक है, मैं इस कार्ड को इस वैम्पायर पर यूज कर ही देता हूँ। और हम देखते हैं कि वह सिस्टम उस वैम्पायर पर उस कार्ड को यूज करने लग जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि इस बेकार से वैम्पायर के ऊपर तुम इस रेयर कार्ड को यूज कर रहे हो, यह तो बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है। और हम देखते हैं कि जैसे ही वह वैम्पायर अपग्रेड हो जाता है उसका सिस्टम कहता है कि आपका वैम्पायर अपग्रेड हो चुका है, क्या तुम इसे देख सकते हो। जिसे सुनने के बाद लिन पूरी तरह से हैरान हो जाता है, और हम देखते हैं कि वह वैम्पायर बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। जिसे देखने के बाद लिन कहता है कि वाओ यह तो बहुत ही ज्यादा कूल है, सचमुच यह तो बहुत ही ज्यादा औसम है, यह इतना भी बुरा नहीं है, और मैंने सुना है कि जिस बंदे के सफेद बाल होते हैं वह बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए मैं इसका नाम बाई रखूंगा। और हम देखते हैं कि जैसे उसका नाम रखता है कि उस लड़के को खुश होने लग जाता है, और हम देखते हैं कि वह लड़का उस कार्ड में जाने लग जाता है, और लिन उस कार्ड को पकड़ लेता है, और वह लड़का उस कार्ड में चला जाता है, और हम देखते हैं कि उस कार्ड के अंदर उस लड़के की एबिलिटी के बारे में लिखा होता है। जिसे देखने के बाद लिन कहने लग जाता है कि इस कार्ड की रेटिंग तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, मैं तो अपने अपग्रेड कार्ड को भी यूज कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी रेटिंग 3 स्टार तक ही है, यह तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। जिसे देखने के बाद लिन का सिस्टम कहने लग जाता है कि इस कार्ड में कोई भी खराबी नहीं है, तुमने जिस मॉन्स्टर को समन किया था वह ब्लैक स्टेयर के 3 स्टार पर था, लेकिन तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर की पावर भी कम हो चुकी है, अगर तुम्हारी पावर ज़्यादा होती तो वह मॉन्स्टर भी ग्रीन कॉपर स्टेज पर पहुँच जाता, और वह तुम्हारा अपग्रेड कार्ड तो पूरी तरह से बेकार चला गया। और वह उससे कहने लग जाता है कि वैसे भी तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, उस मॉन्स्टर को तो शर्म आती होगी कि तुम उसके मालिक हो, यह तो सब बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। जिसे सुनने के बाद लिन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें यह सब बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अगर तुम ऐसा बोलोगे तो कोई भी तुमसे दोस्ती नहीं करेगा। जिसे सुनने के बाद वह सिस्टम कहता है कि मुझे तुम्हारे जैसे दोस्तों की ज़रूरत भी नहीं है, और यह सब सुनने के बाद लिन गुस्सा हो जाता है और अपनी बीच के फिंगर दिखाने लग जाता है और कहता है कि कमी नहीं कहीं के। और हम देखते हैं कि अचानक से दरवाजे से आवाज़ आती है कि घर में कोई है क्या, दरवाज़ा खोलो। जिसे सुनने के बाद लिन दरवाजे के पास जाता है और कहने लग जाता है कि रुको जरा मैं अभी आ रहा हूँ। और हम देखते हैं कि जैसे ही वह दरवाज़ा खोलता है वहाँ पर 2 हट्टे कट्टे आदमी खड़े होते हैं, जिसे देखने के बाद लिन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लग जाता है कि आप लोग कौन हो। जिसे सुनने के बाद उनमें से एक आदमी आगे आता है और कहने लग जाता है कि क्या तुम्हारा नाम लिन हुआंग है। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि हाँ मेरा नाम ही लिन हुआंग है, और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि इन्हें देखने से ऐसा लगता है कि यह किसी गैंग के मेंबर है और यह शायद मुझे मारने के लिए है, इतना डर तो मुझे उस मॉन्स्टर से भी नहीं लगा जितना इंट से लग रहा है। और हम देखते हैं कि वह आदमी लिन का हाथ पकड़ लेता और उनसे कहने लग जाता है कि सर लिन आपसे मिलकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, हमें एसोसिएशन से यहाँ पर एक मैसेज मिला था जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं, हम आपके घर को ठीक करने के लिए आए हैं और आपको यहाँ से शिफ्ट कर देंगे। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और हम देखते हैं कि बाहर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और उनमें से एक बंदा कहने लग जाता है कि सर हम आपके घर को ठीक करने आए हैं और हम आपके घर को बहुत ही ज़्यादा नया बना देंगे, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये पास ले लें और एक लग्जरी होटल में रहे, हम आपके घर को 5 दिन के अंदर बहुत ही ज़्यादा शानदार बना देंगे। जैसे देखकर आप भी ज़्यादा हैरान हो जाएंगे, इतने आप उस होटल में जाकर इंजॉय करिए। और हम देखते हैं कि वह उसे एक VIP कार्ड देता है और कहने लग जाता है कि बाकी का काम हम पर छोड़ दीजिए, आप उस होटल में जाकर बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेंगे। और लिन अपने मन में कहने लग जाता है कि क्या यह लोग हमें यहाँ से हटा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता,
ये हमें यहाँ से हटाकर एक हाई लेवल के होटल में भेज रहे हैं। ये तो काफ़ी मज़ेदार लगता है। फिर उसके बाद हमें उस होटल के सीन को दिखाया जाता है और उस होटल को देखने के बाद लिन कहने लग जाता है कि ये होटल असोसिएशन गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है, जिसका घर मॉन्स्टर द्वारा टूट जाता है या फिर कोई मारा जाता है तो वह इस हाई लेवल के होटल में रह सकता है। ये तो सुनने में काफ़ी मज़ेदार लगता है। फिर इसके बाद हमें लिन की बहन को भी दिखाया जाता है, वह कहने लग जाती है कि भाई मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस होटल में रहूँगी, ये होटल तो काफ़ी मज़ेदार लगता है, ये होटल हमारे स्कूल के बिल्कुल करीब है, यहाँ से तो मैं कभी भी आ जा सकती हूँ, ये तो एक सपने की तरह लगता है। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि तुमने सही कहा, लेकिन ये थोड़ा अजीब भी है, हम छोटे से घर में रहे हैं लेकिन अचानक से हम एक लग्जरी होटल में रहेंगे, ये थोड़ा सा अजीब लगता है। और हम देखते हैं कि वह होटल के अंदर जाने लग जाते हैं और लिन की बहन कहने लग जाती है कि भाई मैं इस होटल में जाने के बाद सबसे पहले खाना खाऊंगी, फिर इसके बाद अपने लिए कमरा ढूंढूंगी जहाँ मैं आराम कर सकूँ। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि तुमने सही कहा, हम पहले खाना खाएंगे फिर जाकर कोई आराम सी जगह ढूंढेंगे। और हम देखते हैं कि वह दोनों उस होटल के अंदर आ जाते हैं और उस होटल को देखने के बाद जिन की बहन हैरान होकर कहने लग जाती है कि भाई ये होटल तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, इस होटल को देखने के बाद तो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी। और हम देखते हैं कि वह जैसे ही अपने भाई की मैं देखती है और हम देखते हैं कि लिन बहुत सारा खाना खा रहा होता है, जिसे देखने के बाद लिन की बहन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और लिन कहने लग जाता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, इस जगह पर खाना बिल्कुल फ्री है, तुम जितना खाना खाना चाहती हो उतना खा सकती हो। और लिन की बहन कहने लग जाती है कि ये खाने को देखने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन तुमने तो मुझसे पहले ही खा लिया, अब मैं खाना खाने वाली हूँ। और हम देखते हैं कि वह खाना खाने के लिए बैठ जाती है और खाना खाते हुए कहने लग जाती है कि यह तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगता है। और लिन अपने मन में कहने लग जाता है कि अभी तो ये कह रही थी कि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, लेकिन अब तो ये मुँह फाड़ फाड़ कर खाना खा रही है। और हम देखते हैं कि अचानक से लिन हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि इस होटल में अचानक से इतना सन्नाटे क्यों हो गया। और हम देखते हैं कि उसका ध्यान एक आदमी की तरफ चला जाता है, जिसे देखने के बाद कहने लग जाता है कि इस आदमी के आने के बाद यहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए हैं। फिर इसके बाद उस आदमी को दिखाया जाता है जो कि टकड़ा और काणा होता है। और लिन उस आदमी को देखने के बाद कहने लग जाता है कि यह आदमी तो देखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और डरावना लग रहा है। और लिन की बहन भी कहने लग जाती है कि भाई देखो उस आदमी को ज़रा, वह कितना खतरनाक लग रहा है। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि तुम अपनी नज़रें ज़रा नीचे रखो और तुम्हें बात करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ खाना खाने पर ध्यान दो। और लिन उस आदमी को देखने लग जाता है और अपने मन में कहता है कि जब से यह आदमी यहाँ पर आया है ये हमें घूरे ही जा रहा है, आखिरकार इसकी प्रॉब्लम क्या है। और हम देखते हैं कि लिन की बहन खाना खा लेती है और वह कहने लग जाती है कि भाई मेरा पेट फुल हो चुका है। जिसे सुनने के बाद लिन अपनी बहन को वहाँ से भगाते हुए कहने लग जाता है कि अगर तुम्हारा पेट भर चुका है तो चलो चलते हैं यहाँ से, हमें अपने रूम में जाना है और वहाँ पर आराम करना है। जिसे सुनने के बाद लिन की बहन कहने लग जाती है कि लेकिन भाई अभी तो मुझे मिठाइयाँ भी खानी थी। और लिन अपने मन में कहने लग जाता है कि इस आदमी को देखने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा है, लगता है कि यहाँ पर कुछ होने वाला है, लगता है कि मुझे अपने कमरे में जाना चाहिए और वहीं पर छुप जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि लिन पीछे मुड़कर देखता है और हम देखते हैं कि वह आदमी वहाँ से खड़ा हो जाता है, जिसे देखने बाद लिन कहने लग जाता है कि इस आदमी ने तो अभी खाना भी नहीं खाया, आखिरकार इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये करना क्या चाहता है। और हम देखते हैं कि लिन अपने कपड़े की तरफ जा रहा होता है और लिन की बहन कहने लग जाती है कि लगता है कि भाई हमारा कमरा सामने की तरफ है, ये तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, और भाई देखो जरा इस होटल में तो कालीन बिछी हुई है, एक कालीन बहुत ही ज़्यादा मुलायम है, ऐसा लगता है कि मैं बादलों में चल रही हूँ। और लिन अपने मन में कहने लग जाता है कि इस लग्जरी होटल में ये आदमी हमारा पीछा क्यों कर रहा है। और हम देखते हैं कि लिन की बहन उस कमरे के पास पहुँच जाती है और कहने लग जाती है कि भाई देखो जरा ये है हमारा कमरा। और लिन अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं इस आदमी से जीत तो नहीं सकता, लेकिन मुझे अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। और हम देखते हैं कि लिन अपनी बहन को अपने पीछे छुपा लेता है और कहने लग जाता है कि तुम कौन हो और हमारा पीछा क्यों कर रहे हो। जिसे सुनने के बाद वह आदमी डरावने अंदाज में कहने लग जाता है क्योंकि मेरा कमरा तुम्हारे कमरे के बिल्कुल सामने है। जिसे सुनने के बाद लिन कहता है कि सॉरी मुझे माफ़ कर दो। और हम देखते हैं कि वह उस कमरे के अंदर आ जाते हैं और लिन की बहन कहने लग जाती है कि भाई देखो जरा यहाँ पर तो कितना लग्जरी रूम है और यहाँ पर दो कमरे हैं, यहाँ तो हम आराम से रह सकते हैं, ऐसा लगता है कि मैं सचमुच हेवन में आ गई हूँ। और हम देखते हैं कि वहाँ पर लिन भी आ चुका होता है, वह कहने लग जाता है कि वह आदमी सचमुच बहुत ही ज़्यादा डरावना था, मुझे पहले शांत हो जाना चाहिए। जैसे सुनने के बाद लिन की बहन गद्दे के पास जाती है और कहने लग जाती है कि भाई तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, इस होटल में बहुत सारे लोग हैं, वह आदमी इन सारे लोगों के सामने हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, आपको थोड़ा शांत होने की ज़रूरत है। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि तुमने सही कहा, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। और वह अपनी बहन से कहने लग जाता है कि तुम जल्दी से जाओ और नहा लो, तुम्हें अपना होमवर्क भी फिनिश करना है, फिर इसके बाद तुम सो जाना। जिसे सुनने के बाद लिन की बहन गुस्सा हो जाती है और कहने लग जाती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ पर होमवर्क करने के लिए नहीं आई, मुझे ऐसी जगहों पर आने का कभी कभी मौका ही मिलता है, मैं यहाँ अभी बहुत ही ज़्यादा मज़े करूँगी और खेलूँगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लिन की बहन सो जाती है और लिन अपने मन में कहने लग जाता है कि मेरी बहन बहुत ही ज़्यादा थक गई है, इसने पिछले दिनों में बहुत ही ज़्यादा हार्ड टाइम देखा है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लिन एक क्लिप को चलाने लग जाता है
और अपने मन में कहता है कि अगर मैं रिजर्व एलाइड हंटरों को लड़ाई करते हुए देखूंगा तो शायद मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद हो जाएगी। अगर मैं इसे बार बार लड़ते हुए देखूंगा तो शायद मुझे हंटर बनने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। और हम देखते हैं कि वह ली लैंग की ऑनलाइन क्लिप्स को देख रहा होता है और कहने लग जाता है कि ली लैंग तो लड़ाई करते हुए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और स्ट्रॉन्ग लगती है, यह सचमुच एक जीनियस हंटर है। और हम देखते हैं अचानक से उसे किसी की आवाज़ आती है, वह कहने लग जाता है कि यह तो हमारे सामने वाले दरवाजे से खुलने की आवाज़ है। और हम देखते हैं कि वह खिड़की के पास चला जाता है और कहने लग जाता है कि आधी रात हो चुकी है और यह डरावना आदमी किसकी तरफ जा रहा है, आखिर यह करना क्या चाहता है। और हम देखते हैं कि खिड़की के बाहर वही डरावना और टकला आदमी होता है, जिसे देखने बाद लीना अपने मन में कहता है कि हाँ यह सचमुच वही है, आधी रात में यह क्या करने का प्लान कर रहा है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा। और हम देखते हैं कि वह टकला आदमी कहीं पर रुक जाता है और हम देखते हैं कि वह वहीं पर स्वॉर्ड स्किल की प्रैक्टिस करने लग जाता है, जिसे देखने बाद लीना अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, यह बंदा आधी रात में स्वॉर्ड स्किल की प्रैक्टिस कर रहा है। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि इसकी स्वॉर्ड स्किल तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, यह एक अनोदर लेवल पर है। अगर मैं अपनी बात तो करूँ तो मैं सचमुच बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ और मेरी स्किल बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। और वह उस आदमी को देखते हुए कहने लग जाता है कि अगर मैं इसकी स्वॉर्ड स्किल को देखूँ तो इसमें 18 अटैक है और यह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, अगर मैं इसे बार बार देखूँ तो शायद मुझे हंटर बनने में मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा, यह मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इस होटल में आना मेरा बेकार नहीं गया, यह सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी होती है और लिन के कमरे के बाहर एक पक्षी आया होता है जो कहने लग जाता है कि आपकी डिलीवरी आ चुकी है, प्लीज़ इसे कलेक्ट कर लीजिए। और लिन हमें बताने लग जाता है कि इस वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जो लो रंग के मॉन्स्टर है और ये ह्यूमन की भाषा भी बोल सकते हैं, और इसके साथ साथ इनका साइज़ तो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है लेकिन ये भारी से भारी सामान को आसानी से उठा सकते हैं और सभी इंसान इन पक्षियों का ज़्यादातर यूज़ अपने डिलीवरी करने के लिए करते हैं। और उस पक्षी की बात सुनने के बाद लिन की बहन बाहर आती है और कहने लग जाती है कि भाई आपने क्या ऑनलाइन सामान मंगाया। और हम देखते हैं कि लिन उस सामान के पास बैठा होता है और वह पक्षी कहने लग जाता है कि सर लिन आपका सामान पूरी तरह से आ चुका है, आप प्लीज़ इस पर साइन कर दीजिए। और लिन अपनी बहन को देखने के बाद मुंह बनाने लगता है और अपनी बहन से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम जल्दी से जल्दी अपने कपड़े बदल दो, तुम्हें स्कूल नहीं जाने का, तुम हमेशा लेट हो जाती हो। और हम देखते हैं कि लिन अपनी बहन को धक्का मारते वहाँ से ले जाने लगता है और लिन की बहन कहने लग जाती है कि भाई आपने ऑनलाइन सामान मंगाया, आपने क्या मंगाया, जिसे सुनने के बाद लिन चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि मैं एक रिजर्व हंटर बनना चाहता हूँ जिसके लिए मैंने ये सामान मंगाया और तुम्हें ज़्यादा जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं, तुम जल्दी से जल्दी अपने कपड़े बदलो और सकूल चले जाओ, तुम बहुत ही ज़्यादा लेट हो रही हो। और हम देखते हैं कि लिन दरवाज़ा बंद कर देता है और कहने लग जाता है कि मैंने कई महीने तक पैसे बचा कर रखे थे ताकि मैं इन सारे इक्विपमेंट्स को ले सकूँ, अब ये सारे के सारे इक्विपमेंट मुझे हंटर बनने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। और हम देखते हैं कि वह उन सारे बक्सों को खोल खोल कर देखने लग जाता है और वह कुछ गोलियों को देखने के बाद कहने लग जाता है कि यह तो आर्मर डिस्ट्रैक्टिव बुलेट हैं, हालांकि ये 10 ही हैं लेकिन ये मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाले हैं, अगर मैं किसी भी मुसीबत में पड़ गया तो ये मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे, अच्छा हुआ मैंने इनको खरीद लिया। फिर हम देखते हैं कि वह एक बक्से में ही देखता है और कहने लग जाता है कि अब असली चीज़ निकालने का वक्त आ गया। और हम देखते हैं कि वह उस बक्से को खोल देता है और उस बक्से में एक तलवार होती है, जिसे देखने बाद लिन कहने लग जाता है कि यह स्वॉर्ड तो ब्लैक स्टेज के बंदूक के लिए है, अगर यह किसी पर चल जाए तो उसकी गर्दन उड़ा सकती है, यह तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने इतने कम पैसों में इतनी शानदार तलवार ले ली। और हम देखते हैं कि वह अपनी आंखें बंद करता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि अब वक्त आ गया है जो मैंने रात को स्वॉर्ड स्किल देखी थी उसे ट्राई करने का। और हम देखते हैं कि वह तलवार चलने लग जाता है और अपने मन में कहता है कि दाएं मारो और स्लैश मारो और बाएं मुड़ो और स्लैश मारो, और वह जोर से चिल्लाता है कि डिस्ट्रैक्टिव वर्टिकल स्ट्राइक, और हम देखते हैं कि वह एक जोरदार स्लैश मार देता है और हम देखते हैं कि अचानक से उसके सामने सिस्टम आ जाता है, वह उससे कहने लग जाता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, आपने अपने अंदर एक स्किल को डेवलप कर लिया है, जिसे सुनने के बाद लिन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वह सिस्टम से कहने लग जाता है कि ब्लेक मुझे बताओ कि यह स्किल कैसी है और इसे किस तरीके से परफेक्ट किया जा सकता है, जिसे सुनने के बाद उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, तुम्हें सबसे ज़्यादा मेहनत करनी और इसके साथ साथ तुम्हें इस स्किल के सारे फ्रेगमेंट को इकट्ठा करके उन्हें पूरी तरह से परफेक्ट करना है, तभी जाकर तुम इस स्किल को सीख पाओगे, जिसे सुनने के बाद लिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, मुझे सिर्फ इस तलवार को थोड़ी देर और स्विंग करना है, इसके बाद मैं इस स्किल को पूरी तरह से परफेक्ट कर दूंगा, जिसे सुनने के बाद लिन का सिस्टम कहने लग जाता है कि तुम दिन में सपने देखना बंद भी कर दो, जिस स्किल को तुम इतना आसान समझ रहे हो यह इतनी भी आसान नहीं है, अगर तुमने इसे 80% तक ही परफेक्ट कर लिया तो इसके बावजूद भी तुम इसे मास्टर नहीं कर पाओगे, तुम्हें इसे मास्टर करने के लिए कम से कम 100% तक सीखना होगा, तभी जाकर तुम इस स्किल को मास्टर कर पाओगे और तुम्हें कोई रिवॉर्ड मिलेगा, जिसे सुनने के बाद लिन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता और कहने लग जाता है कि यह तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या मुझे इस स्किल को सीखने के लिए 100% तक
सीखना होगा, यह लगभग नामुमकिन है, मैं इसे नहीं कर पाऊंगा, तुम भी इस बात को समझ सकते हो। जिसे सुनने के बाद लिन का सिस्टम कहने लग जाता है कि देखो मैं इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकता, अगर तुम्हें हंटर बनना है तो तुम्हें इस स्किल को सीखना होगा, तभी जाकर तुम्हें कोई रिवॉर्ड या स्किल मिलेगी। जिसे सुनने के बाद लिन थोड़ा सा जोश में आ जाता है और कहने लग जाता है चलो तो फिर ठीक है, मुझे इस स्किल को सीखना होगा और लगातार मेहनत करनी होगी, तभी जाकर मैं कुछ कर पाऊंगा, और वैसे भी मुझे अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना है। जिसे सुनने के बाद लिन का सिस्टम कहने लग जाता है कि चलो तो ठीक है, मेरी तरह से तुम्हें गुड लक, मैं तो सोने जा रहा हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लिन स्वॉर्ड चला चला कर बहुत ही ज़्यादा थक गया होता है और वह जमीन पर पड़ा पड़ा बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हाँप रहा होता है, और उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि तुमने इस स्किल को 20% तक सक्सेस कर लिया है। जिसे सुनने के बाद लिन अपने मन में कहने लग जाता है क्या सिर्फ 20%, लेकिन मैं तो बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा दूर से दौड़ कर आया हूँ, मेरी सांसें फूलती जा रही हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लिन के कमरे के बाहर से आवाज़ आती है कि भाई मैं आ गई, और हम देखते हैं कि लिन की बहन एक बुड्ढे को लाई होती है और वह अपने भाई से कहती है कि भाई ये इस होटल का बॉस सर यू है, आपको उसका स्वागत करना चाहिए, और तुम उस गद्दे के पीछे पड़े पड़े क्या कर रहे हो। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि बॉस यू आप अंदर आइए, आप चिंता मत करिए, आप सोफे पर बैठ जाइए। जिसे सुनने के बाद वह बॉस कहने लग जाता है कि लिन आप मेरे होटल में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका स्वागत करता हूँ, मैं कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा बिजी चल रहा था जिसकी वजह से मैं आपसे नहीं मिल पाया, मुझे माफ़ कर देना, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और हम देखते हैं कि वह दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं और लिन की बहन कहने लग जाती है कि भाई तुम सुबह से क्या कर रहे थे जिसकी वजह से तुम इतने थक गए हो। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, और वह बुड्ढा कहने लग जाता है कि यंग मैन मुझे लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा थक चुके हो, यह लो चाय पियो, यह चाय मेरी होटल की सबसे बढ़िया चाय है, यह तुम्हारी सारी थकान को दूर कर देगी। जैसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे होटल की सर्विस तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मुझे यहाँ आकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और वह बुड्ढा कहने लग जाता है कि सर आपको मेरी होटल की सर्विस बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है तो मेरे लिए ऑनर की बात है, लगता है कि मैंने यहाँ आकर गलती कर दी, मैं तो आपको डिस्टर्ब कर दिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई परेशानी हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि इतना कहते ही वह बुड्ढा वहाँ से जा रहा होता है, जिसे देखने के बाद लिन की बहन कहने लग जाती है कि भाई बॉस जो तो बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं, ये इतने बड़े होटल के मालिक होने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा शांत और दयालु भी है। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है खैर मुझे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो सिर्फ यह चाय ही अच्छी लगी। और लिन की बहन कहने लग जाती है कि अरे हाँ भाई मैं तो आपको बताना भूल गई कि बॉस यू ने मुझसे कहा था कि आपने जिस ब्लैक स्टेज वाले मॉन्स्टर को मारा था उसे मारने के लिए आपको रिवॉर्ड के तौर पर हंटर एसोसिएशन ने यह रिवॉर्ड भेजा। जिसे सुनने के बाद लिन उस बक्से को देख लग जाता है और कहने लग जाता है कि यह तो होना ही था, आखिरकार मैंने उस ब्लैक स्टेज वाले मॉन्स्टर को मारा है, मैं तो यह देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान भी नहीं हूँ, आखिरकार उन्हें मुझे यह सब देना ही था। और हम देखते हैं कि वह उस बैग को खोल कर देख लग जाता है और कहने लग जाता है कि लगता है कि इस बैग को खोलने के लिए मुझे फिंगर लगानी होगी। और लिन की बहन कहने लग जाती है कि भाई इसमें क्या होगा, और हम देखते हैं कि उस बैग के अंदर एक बंदूक होती है, जिसे देखने के बाद लिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि ब्लैक शैडो 33 है, यह तो ईगल कंपनी की न्यू ब्लैक मैकेनिकल वेपन है, यह तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, यह पिस्टल तो पास के अटैक करने के साथ साथ दूर के अटैक भी कर सकती है। और उस गन को चलाते हुए लिन कहने लग जाता है कि मगर इसकी करंट स्टेट की बात की जाए तो मार्केट में इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा है और यह मार्केट में अब तक का सबसे धांसू वेपन है, मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा कि उस इस ब्लैक स्टेज वाले मॉन्स्टर को मारने के बाद मुझे उन लोगों ने इतना शानदार वेपन दिया है। और लिन की बहन कहने लग जाती है कि भाई क्या आप सचमुच एक हंटर बनना चाहते हैं। जिसे सुनने के बाद लिन थोड़ा सा उदास होते हुए कहने लग जाता है कि हाँ तुमने सही कहा, उन हंटर एसोसिएशन ने मुझे इतनी ताकतवर और शानदार वेपन दे दिया है, लेकिन मुझे इसे चलाने के लिए इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं है, ना ही मैं ब्लैक स्टेज तक पहुँचा हूँ ताकि मैं एक हंटर बन सकूँ, इन लोगों ने मुझे इतनी शानदार गन दी है लेकिन यह मेरे लिए कचरे के सिवा कुछ भी नहीं है। और लिन अपने मन में कहने लग जाता है कि अब सिर्फ मुझे उस स्किल को मास्टर करना है, तभी जाकर मैं एक अच्छा हंटर बन पाऊंगा और मुझे वह रिवॉर्ड मिल पाएगा। और लिन की बहन कहने लग जाती है कि भाई मुझे पता नहीं था कि तुम अचानक से एक हंटर बनना चाहते हो, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, अगर तुम एक स्ट्रॉन्ग हंटर बन गए तो क्या मुझे तुम छोड़ दोगे, इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। जिसे सुनने के बाद लिन अपनी बहन के सर पर हाथ रखता और कहने लग जाता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला और जो मैंने वादा किया था मैं उसे जरूर निभाऊंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला। जिसे सुनने के बाद लिन की बहन कहने लग जाती है कि मुझे तुम पर बिलीव है भाई, और लिन कहने लग जाता है कि अब तुम यहाँ पर बैठी बैठी मत रहो, तुम जाकर होमवर्क करो। जिसे सुनने के बाद लिन की बहन कहने लग जाती है कि हाँ भाई आप दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लिन एक अकेले हॉल में खड़ा होता है और लिन अपने मन में कहने लग जाता है कि बॉस यू की चाय पीने के बाद तो मेरे शरीर को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अब मैंने बहुत ही ज़्यादा आराम कर लिया है, लगता है कि मुझे काम करना होगा। और हम देखते हैं कि वह अपनी तलवार की प्रैक्टिस करने लग जाता है
है और उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि तुमने अपने स्किल में और भी ज़्यादा महारत हासिल कर ली है। जैसा सुनने के बाद लेना अपने मन में कहने लग जाता है कि जैसे जैसे मैं इस स्किल को सीखता जा रहा हूँ, मेरा फोकस बढ़ता जा रहा है और मेरी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ऐसा लगता है कि जैसे जैसे मैं स्किल को सीख रहा हूँ मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मेरा पोटेंशियल भी इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि लेन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह फीलिंग कैसी, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी होती है और लिन की बहन नीचे आ जाती है और भाई से कहने लग जाती है कि भाई सुबह हो चुकी है। लेकिन हम देखते हैं कि वह लिन को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि क्या रात भर सोया नहीं है, क्या पूरी रात भर स्वॉर्ड की स्किल की प्रैक्टिस करता रहा है। और लिन अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं रात भर उस स्वॉर्ड की स्किल की प्रैक्टिस करता रहा और उस स्किल की फ्रेगमेंट को पूरी तरह से परफेक्ट करता रहा और जैसे जैसे मैं इसको कर रहा हूँ मैं और भी ज़्यादा नज़दीक आता जा रहा हूँ, लगता है कि मैं थोड़े दिनों के बाद इस स्किल को परफेक्ट कर लूँगा। और हम देखते हैं कि लिन की बहन वहाँ से जलने लग जाती है और कहने लग जाती है कि भाई मैं स्कूल जा रही हूँ। और हम अचानक देखते हैं कि लिन का सिस्टम वहाँ आ जाता है और कहने लग जाता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने जो तुम्हें स्किल दी थी वह तुमने पूरी तरह से परफेक्ट कर लिया, जिसके लिए हम तुम्हें रिवॉर्ड देंगे। और वह सिस्टम कहने लग जाता है कि हमने जिस स्किल को तुम्हें दिया था उसके तुमने बहुत सारे फ्रेगमेंट को परफेक्ट कर लिया है, जिसके लिए हम तुम्हें रिवॉर्ड देंगे। जिसे सुनने के बाद लिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार मैंने अपने स्किल को पूरी तरह से परफेक्ट कर लिया। और हम देखते हैं कि वह उस कार्ड को दबाने लग जाता है और कहने लग जाता है कि चलो चलो देखते हैं कि अब मेरी कार्ड में स्ट्रेंथ कितनी हो चुकी है। और हम देखते हैं कि वह अपने कार्ड में स्ट्रेंथ को देखने लग जाता है और उस कार्ड में अपने स्किल को देखने के बाद कहने लग जाता है कि आखिरकार मुझे यह रियल स्किल मिली गई, ये तो मेरे साथ बहुत ही अच्छा हुआ। और वह उस कार्ड को देखने लग जाता है और कहने लग जाता है कि लेकिन अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ लगती है, मैंने इस स्किल को पूरी तरह से परफेक्ट कर दिया लेकिन इसके बावजूद भी इसकी स्ट्रेंथ तो इतनी है। जिसे सुनने के बाद लिन का सिस्टम वहाँ आ जाता है और लिन से कहने लग जाता है कि बेशक तुमने स्वॉर्ड स्किल को पूरी तरह से परफेक्ट कर दिया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने उस स्किल को पूरी तरह से मास्टर कर लिया है। उस स्किल के दो पेज है, तुमने सिर्फ अपर पेज को ही मास्टर किया है। तुमने अगर और ज़्यादा ताकतवर होना है तो अंडर पेज को भी पूरी तरह से परफेक्ट करना होगा, तभी जाकर तुम्हें एक लेजेंडरी रैंक मिलेगी। जिसे सुनने के बाद लिन थोड़ा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि लेजेंडरी रैंक आखिर इससे कैसे स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। जिसे सुनने के बाद लिन का सिस्टम कहने लग जाता है कि देखो मैं तुम्हें इसके बारे में कोई भी चीज़ नहीं बता सकता, तुम्हें इसके बारे में खुद ही सीखना होगा। और वैसे भी मैं तुम्हें इसके बारे में बताना चाहूँ तो बिल्कुल भी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, तुम्हें इसे खुद ही परफेक्ट करना होगा। जिसे सुनने के बाद लिन अपने मन में कहने लग जाता है कि उस डरावने टकले आदमी से मैंने इस स्किल को चोरी चुपके सीख ली है लेकिन अभी भी मुझे उस डरावने आदमी से बहुत सारी स्किल सीखनी है और इसके बारे में मुझे उस डरावने आदमी को बिल्कुल भी नहीं बताना, अगर उसे बता दिया तो यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और वैसे भी मुझे नहीं लगता है कि उस डरावने आदमी को इस बात से कोई फर्क पड़ता है, मुझे उसके पास जाना चाहिए और इस स्किल को सिखाने के लिए उसे शुक्रिया कहना चाहिए। लगता है कि वह मेरी और भी ज़्यादा मदद कर देगा और अंडर स्किल के बारे में मुझे कुछ और भी बता देगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लिन एक कमरे के बाहर आ गया होता और उस कमरे की बेल दबाने लग जाता और हम देखते हैं कि उस कमरे के अंदर से वही टकला और डरावना आदमी बाहर आ जाता है। वह कहने लग जाता है कि बच्चे तुम यहाँ पर क्यों आए हो। और हम देखते हैं कि लिन उसके सामने थोड़ा सा झुकता और कहने लग जाता है कि पिछले 3 दिनों से आप मुझे उस स्किल को सिखा रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसे सुनने के बाद वह टकला इंसान कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें वह स्किल बिल्कुल भी नहीं सिखाई, तुम उसे चोरी चुपके सीख रहे थे और मुझे नहीं पता कि वह स्किल तुमने कैसे सीख ली लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि क्या आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं तो आपको शुक्रिया कहने वाला था। और हम देखते हैं कि वह टकला इंसान उस दरवाजे को बंद कर देता है, जिसे देखने के बाद लिन थोड़ा सा शांत हो जाता है और वहां से जाते हुए अपने मन में कहने लग जाता है कि हालांकि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने जितना सीखना था उतना सीख लिया, अब बस मुझे एग्जाम को देना है और एग्जाम देने के बाद मैं यहाँ फिर से आऊंगा और इस टकले इंसान से उस अंडर पेज वाले स्किल के बारे में सीखूंगा। और फिर हम इसके बाद देखते हैं कि लिन की बहन घर आ जाती है और उन भाई से कहने लग जाती है कि भाई मैंने सुना है कि हमारा घर पूरी तरह से फिक्स हो चुका है, क्या वहाँ हम कल जाने वाले हैं। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि हाँ तुमने सही कहा, हमारा घर पूरी तरह से फिक्स हो चुका है, उन लोगों ने मुझे ईमेल भी कर दिया। और इस बात को सुनने के बाद लिन की बहन ज़मीन पर बैठ जाती है और अपने भाई से कहने लग जाती है कि क्या इतनी जल्दी भाई, अभी तो मैंने यहाँ पर कुछ भी मजे नहीं किए। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि तुम यहाँ से इसलिए नहीं जाना चाहती ना क्योंकि यहाँ का कमरा और यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और वह उसके सर पर हाथ धरते हुए कहने लग जाता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आगे चलकर तुम्हारे लिए एक अच्छा घर ले लूँगा और तुम्हें एक अच्छा खाना भी दूंगा और इसके साथ साथ मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करूँगा ताकि तुम्हारी जीवन बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो सके और तुम्हें किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिसे सुनने के बाद लिन की बहन कहने लग जाती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी बहुत ही ज़्यादा चिंता करते हो और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। और हम देखते हैं कि वह खिड़की से नज़ारे को देखने लग जाते हैं और लिन अपनी बहन से कहने लग जाता है कि तुम्हें जल्दी से जाकर सो जाना चाहिए, तुम्हें कल बहुत ही ज़्यादा काम करना है। फिर इसके बाद हम
में उस टकले और बॉस यू को दिखाया जाता है और वह टकला इंसान उस बॉस से कह रहा होता है कि सर आप क्या कह रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। जिसे सुनने के बाद वह बॉस कह रहा है तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा, और वह टकला इंसान कहने लग जाता है कि देखो सर वह बच्चा बहुत ही ज़्यादा लकी होगा जिसकी वजह से उसने ब्लैक स्टेज वाले वैम्पायर मॉन्स्टर को आसानी से मार गया होगा, लेकिन जब मैं उसे पहली बार मिला था तो वह बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था और उसका लाइफ सर्कल भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मुझे लगता है कि वह कम से कम 2 महीने तक ही जिंदा रहेगा, लेकिन आप उस पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, क्या मैं जान सकता हूँ ऐसा क्यों? जिसे सुनने के बाद वह बुड्ढा हंसने लग जाता और कहने लग जाता है कि गुई तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे कितने सालों से जानते हो, और तुम तो जानते हो कि मैंने आज तक कोई भी गलत फैसला नहीं लिया, लेकिन अब तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? जिसे सुनने के बाद वह टकला इंसान कहने लग जाता है कि मैं जानता हूँ कि सर आप कोई गलत फैसला नहीं ले सकते, लेकिन आप अपनी आइडेंटिटी को स्पेशल रखना चाहते हैं और आप इस वर्ल्ड से कनेक्ट भी नहीं होना चाहते, लेकिन इसके बावजूद भी आपने मुझसे कहा था कि मैं बच्चे को स्किल दिखाऊं और ताकि वह उस स्किल को देखकर सीख सके, सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जिसे सुनने के बाद वह बुड्ढा कहने लग जाता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अपनी सीमा में रहकर काम कर सकता हूं और मैंने देखा है कि उस बच्चे के अंदर बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है जिसकी वजह से वह आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर इंसान बन जाएगा। जिसे सुनने के बाद वह टकला कहने लग जाता है कि मैं जानता हूँ कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है लेकिन वह जीनियस नहीं है और उसे लीलैंग से कभी भी कंपेयर नहीं किया जा सकता, लीलैंग उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वह लीलैंग के सामने खड़े होने के लायक भी नहीं है। जिसे सुनने के बाद वह बुड्ढा कहने लग जाता है कि तुम्हें उस बच्चे के बारे में इतना बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, चलो तुम मुझे बताओ कि तुम्हें उस स्वॉर्ड स्किल के अपर रैंक को सीखने में कितने साल लगे। जिसे सुनने के बाद वह टकला कहने लग जाता है कि अगर मैं अपनी बात करूं तो अपर रैंक की स्वॉर्ड स्किल को सीखना इतना भी आसान नहीं है, इसे सीखने के लिए इसके डीप मीनिंग को जानना होता है, जब डीप मीनिंग समझ में आए तब जाकर इसकी प्रैक्टिस की जाती है, और जब मैं इसकी प्रैक्टिस करता था तो दिन में कम से कम 18 घंटे प्रैक्टिस करता था और मैं इस स्वॉर्ड स्किल की प्रैक्टिस 103 दिन तक की थी, तब जाकर मैं इसे परफेक्ट कर पाया। और इस बात को सुनने के बाद वह बुड्ढा उससे कहने लग जाता है कि तुम एक स्वॉर्ड जीनियस हो, इसके बावजूद भी तुमने इसे सीखने में 103 दिन तक लगे थे, लेकिन तुम मुझे बताओ कि उस बच्चे को इसे सीखने में कितने दिन लगे होंगे। जिसे सुनने के बाद वह टकला कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि उसे इसे सीखने में 2 से 3 साल लगे होंगे, और हम देखते हैं कि वह बुड्ढा उसे 3 आंगुली दिखाता है। जिसे देखने के बाद वह टकला कहता है कि मुझे लगता है कि उसे 3 साल लगे होंगे, और वह बुड्ढा उसे कहने लग जाता है कि नहीं नहीं उसे सिर्फ इसे सीखने के लिए 3 दिन लगे। जिसे सुनने के बाद वह टकला इंसान पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ये लगभग इम्पॉसिबल है। जिसे सुनने के बाद वह बॉस कहने लग जाता है कि इस दुनिया में इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज़ नहीं हो सकती, अब जल्दी से जाओ अपने सामान को पैक करो, हमें इसे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना है। जिसे सुनने के बाद वह टकला कहने लग जाता है कि यस रोजर हम चलते हैं, और फिर इसके बाद हमें सुबह सुबह के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक खूबसूरत घर को देखते हैं, और हम देखते हैं कि उस खूबसूरत घर के सामने वह दोनों खड़े होते हैं और लिन की बहन कहने लग जाती है कि लगता है कि भाई मैं कोई सपना देख रही हूँ। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि मैं भी कोई सपना देख रहा हूँ, आखिरकार यहाँ हो कह रहा है, और हम देखते हैं कि वह उस घर के सामने खड़े होते हैं और लिन की बहन कहने लग जाती है कि लगता है कि भाई हम कोई गलत जगह पर आ गए हैं, और लिन कहने लग जाता है कि मुझे तो अपनी आंखों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा कि यह हमारा घर है, यह तो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। और हम देखते हैं कि उस घर के आगे एक आदमी खड़ा होता है, वह कहने लग जाता है कि सर लिन आपका इस घर में स्वागत है, और हम देखते हैं कि लिन उस आदमी के पास आ जाता है और वह आदमी लिन से कहने लग जाता है कि सर आपने आपके घर को पूरी तरह से ठीक कर चुका है, आप क्या सेटिस्फाई हैं? जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि हमारे घर पर मॉन्स्टरों का हमला हुआ था, हालांकि तुमने इस घर को पूरी तरह से ठीक कर दिया है, लेकिन यह घर टिकेगा भी या फिर नहीं? जिसे सुनने के बाद वह आदमी खुश होते हुए कहने लग जाता है कि सर आप मिस ली के दोस्त हैं, मैं आपके साथ ऐसा कभी भी नहीं कर सकता, आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, यह घर कभी भी नहीं टूटने वाला। और हम देखते हैं कि मिस ली का नाम सुनकर ली थोड़ा हैरान हो रहा होता है, और लिन की बहन कहने लग जाती है कि भाई क्या यह ली लैंग की बात कर रहा है? जिसे सुनने के बाद वह आदमी कहता है कि हाँ मैं ली लैंग की बात कर रहा हूँ, उसने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि आपका घर पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, और इसने इसके बारे में हायर अप्स को भी बता दिया था जिसकी वजह से बहुत सारे बड़े बड़े इंजीनियर ने आपके घर को बनाया है। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि आखिरकार ली लैंग की पहचान क्या है? जिसे सुनने के बाद वह आदमी कान में बताने लग जाता है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि ली लैंग का फादर 7th एरिया का लीडर है और ये हंटर एसोसिएशन के 3 सबसे बड़े नेताओं में से एक है, और ली लैंग की माँ गवर्नमेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की नेता है। जिसे सुनने के बाद लिन थोड़ा सा हैरान हो जाता है, और हम देखते हैं कि वह आदमी वहाँ से चला रहा होता है और कहने लग जाता है कि मैं आशा करता हूँ कि आपका दिन बहुत ही ज़्यादा यादगार होगा। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि मैं इस आदमी को दोबारा नहीं देखना चाहता, यह बहुत ही ज़्यादा बकवास कर रहा है, और लिन की बहन कहने लग जाती है कि भाई ये सचमुच बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ आदमी है, यह तो हमें ली लैंग का दोस्त समझ रहा है जिसकी वजह से इसने हमारे घर को इतना शानदार बना दिया है। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और वैसे भी हमें इस चीज़ से फायदा ही हुआ है। जिसे सुनने के बाद लिन की बहन कहने लग जाती है कि आपने सही
का भाई। वह आदमी सचमुच बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ था, लेकिन उसने घर बहुत ही ज़्यादा शानदार बनाया है। और हम देखते हैं कि वह दोनों घर के अंदर आ जाते हैं और इन्हें अपने मन में सोचने लग जाता है कि हमने अब घर तो ले लिया है, अब सिर्फ मुझे अपने काम पर फोकस रखना चाहिए। और हम देखते हैं कि वह कुछ फाइटरों का सीन याद करने लग जाता है और कहने लग जाता है कि अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं, 3 दिन के अंदर हंटर्स का एग्जाम होने वाला है, अब मुझे और भी ज़्यादा तैयारी करनी होगी ताकि मैं एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हंटर बन सकूँ और अपनी बहन को प्रोटेक्ट कर सकूँ। फिर इसके बाद हमें 3 दिन बाद के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर लिन किसी चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहा होता है। और हम देखते हैं कि लिन एक मॉन्स्टर के ऊपर बैठा होता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है और लिन हमें बताने लग जाता है कि ये विंग ईगल है, ये एक मॉन्स्टर है, यह मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं और ये किसी भी जगह जाकर वहाँ पर तबाही मचा सकते हैं, लेकिन इंसान सिर्फ इसका ड्राइविंग के लिए ही यूज करता है। और हम देखते हैं कि वह उठ पर उठते हुए ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वह एक जगह पर जा रहा होता है और उस जगह को देखने के बाद कहने लग जाता है कि इसने तो सिर्फ मुझे 2 घंटे के अंदर ही यहाँ पर पहुँचा दिया, यह बहुत ही ज़्यादा तेज है। फिर हम देखते हैं कि लिन ज़मीन पर आ जाता है और कहने लग जाता है कि यह सिटी तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, हमारी सिटी से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, अब मुझे अपनी रिपोर्ट कहाँ करनी चाहिए। और वह अपने मन में सोचने लग जाता है कि उसकी बहन ने कहा था कि अपना ध्यान रखना, और लिन अपने मन में कहने लग जाता है कि मैंने अपने सारे बचे हुए पैसे अपनी बहन को दे दिए हैं, अब मुझे लगने लगता है कि मेरे लौटने तक उसको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। फिर इसके बाद हम एक लड़के को देख रहे हैं जो कहने लग जाता है कि है भाई इधर आओ, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर हंटर एग्जाम को देने के लिए आए और मैं भी यहाँ पर हंटर एग्जाम को देने के लिए आया हूँ, चलो मिलकर उस एग्जाम सेंटर को ढूंढते। और हम देखते हैं कि वह लड़का लिन के कंधे पर हाथ रख देता और लिन उससे कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम कौन हो, जिसे सुनने के बाद वह लड़का कहने लग जाता है कि मेरा नाम यनी हैंग है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक ऐसे बंदे के साथ ज्वाइन होऊंगा जो ब्लैक स्टेज पर भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वह एग्जाम हंटर का देने के लिए जा रहा है, तुम तो बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो दोस्त, जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि मेरा नाम लिन हुआंग है और तुम्हारा तारीफ के लिए शुक्रिया। और अपने मन में कहने लग जाता है कि यह लड़का बहुत ही ज़्यादा बकवास करता है, आखिरकार इस लड़के की प्रॉब्लम क्या है। और वह लड़का लिन से कहने लग जाता है कि देखो दोस्त, यह शहर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और इसमें बहुत सारे हंटर हैं, ज़्यादातर हंटर यहाँ पर अपने मिशन को लेने के लिए आते हैं ताकि वह बहुत बड़े हंटर बन सकें, और इसके साथ साथ इस शहर में बहुत ही ज़्यादा लोग हैं और यहाँ पर एग्जाम सेंटर को ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, चलो इसे मिलकर ढूंढते हैं। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि तुम तो हंटर एसोसिएशन और इस शहर के बारे में बहुत कुछ जानते हो। जिसे सुनने के बाद वह लड़का कहने लग जाता है कि मैं इसके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ क्योंकि मेरा बचपन से सपना है कि मैं एक बहुत बड़ा हंटर बनूँ, इसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और इसके साथ साथ मैंने इस हंटर एग्जाम को देने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, तभी जाकर मैं ब्लैक स्टेज पर पहुँच पाया हूँ। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की होती है जो कहने लग जाती है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों एग्जाम देने के लिए एग्जाम सेंटर को ढूंढ रहे हो, एग्जाम जल्दी ही शुरू होने वाला है, तुम मेरा पीछा करके एग्जाम सेंटर तक पहुँच सकते हो। और दोस्तों इसी के साथ हमारा यह चैप्टर भी एंड हो जाता है। दोस्तों आपको यह मानवा कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताना, आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।